अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों के साथ पनीर मसाला की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जिसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या सामान जाने वाला है। ये हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसको हमने इस तरह टुकड़ों में काट लिया है। ये हमने 6 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के, और ये 2 मीडियम साइज की प्याज लिए हैं। अगर आप प्याज बड़ी लेना चाहें तो 1 प्याज ले लें, अगर टमाटर बड़े लेना चाहें तो 4 ले लें। और ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का है, और ये 8 से 10 कलियां लहसुन की हैं। इनको हम मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, क्योंकि हम इनको एक मिक्सर जार में पीसेंगे। ये 1 चम्मच जीरा है, और ये कम से कम 20-22 टुकड़े काजू के हैं। अगर आप पूरे काजू लें तो 8 से 10 ले लें, ये भी साथ में पीसा जाएगा। ये देखिए, हमने इसको रफली काट लिया है, क्योंकि अभी हमें इसको पीसना है। चलिए ये सब मसाला पीस लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। पैन को गैस पर रखते हैं, और इसमें 4 टेबल स्पून ये कुकिंग ऑयल डालते हैं। आप जिस भी तेल में खाते हो वो तेल डालिए, ये रिफाइंड ऑयल है। फ्लेम को ऑन करते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, और इसमें ये 1 छोटी इलायची है, 2 लौंग है, 1 छोटा सा टुकड़ा ये दालचीनी का है, ये इसमें गया। 1 तेज पत्ता गया, 1/4 चम्मच जीरा गया। 1 छोटी प्याज को हमने इस तरह से महीन चॉप कर लिया है, और ये गई इसमें। प्याज को बहुत बारीक काट कर ही इसमें डालना है। एक बार इस तरह से आप लोग पनीर अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह हमेशा ऐसे ही बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत आसानी से और बहुत मजेदार बनता है। प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक ही इसको हमें करना है। प्याज पिंक होने लगी है, बस इससे ज्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। और जो हमने मसाला पीस कर तैयार किया है, ये हम इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को मीडियम कर लें, क्योंकि इसमें काजू पिसा है और वो छिटकता बहुत है। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डालें, ताकि सारा मसाला इसमें आ जाए अच्छे से। मसाला भी अच्छे से भुनने लगा है। अब इस टाइम हम इसमें 1/4 चम्मच ये पिसी हल्दी जाएगी, 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च जाएगा, जो तेज नहीं होता है, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। ये 2 चम्मच ये पिसा धनिया इसमें जाएगा, ये गया इसमें। ये दूसरा चम्मच सब मिला लेते हैं। 1 चम्मच नमक जाएगा इसमें, नमक आप टेस्ट के हिसाब से लें, ये गया इसमें। मसाला भी एकदम भुनने लगा है। अब हम लीड लगा के 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भून लेते हैं। आइए मसाला चेक करते हैं, मसाला भी अच्छे से भून चुका है, ये देखिए, और इसमें तेल भी ऊपर आने लगा है। और अब इस पॉइंट पर हम इसमें एक चीज और मिलाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। ये टमाटो केचप है, इसको हम इसमें 2 चम्मच डालते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, और जो टमाटर का खट्टापन है वो बैलेंस करेगा। अगर आपके पास है तो डालें, अगर नहीं है तो आप 1/4 चम्मच इसमें शक्कर डाल दें, लेकिन केचप डालने से इसमें टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और ये 4 हरी मिर्चें हैं जो समूची हैं, जिनको हमने काटा नहीं है, ये जाएंगी अब इसमें। मसाला अच्छे से एकदम भून चुका है। अब हम पनीर को इसमें डाल देते हैं। इस तरह से अगर आप लोग पनीर मसाला बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत मजा आएगा आपको बनाने में। ये पनीर गया इसमें। इसमें 1/2 कप पानी जाएगा। ये नमक आप टेस्ट कर लें, और हमको इसको बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट हम इसको पकाते हैं।
दो से तीन मिनट हो चुके हैं और ये पनीर भी अच्छे से पक चुका है। बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा पनीर पकाने से एकदम चूई हो जाता है जो खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कलर देखिए इसका माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। और अब हम इस टाइम ये आधा कटोरी मलाई है, ये घर की मलाई है जो हम लोग दूध उबालते हैं जो उस पर निकलती है, ये वही मलाई है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप आधा कप इसमें दूध भी डाल सकते हैं। और हमारी फ्लेम जो है एकदम मीडियम है, लेकिन अब हम इसको एकदम लो पे कर देते हैं क्योंकि हम मलाई डाल रहे हैं। इसको धीरे धीरे इस तरह से डालें। मलाई डालने से पनीर एकदम रिच बनता है जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर लेते हैं। ये बहुत आसानी से बनता है, कोई झंझट नहीं है पनीर बनाने में। आप घर में बनाइए, मेहमान आ रहे हो फटाफट आप पनीर मंगाइए और बनाइए। आधा चम्मच ये कसूरी मेथी है जिसको हम ऐसे क्रश करके इसमें डाल देते हैं। चौथाई चम्मच ये गरम मसाला जाएगा इसमें। और इसमें एक चम्मच ये हरा धनिया काट के डाल देते हैं हम। बस पनीर मसाला हमारा तैयार है और हम फ्लेम को ऑफ करते हैं और आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए पनीर मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। आप लोग भी मेरे तरीके से बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बराबर बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह हाफिज़।